Assalamualaikum and welcome to Tifan's Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं easy and quick restaurant style पालक आलू. इसके लिए हमें चाहिए पालक जिसको हमने already उबाल के अच्छी तरह से grind कर लिया है. उसके अलावा 4 medium size के cube cut में आलू चाहिए. 2 medium chopped टमाटर चाहिए. 2 मीडियम चॉप्ड प्याज चाहिए. जिंजर गार्लिक और रेड चिली का हमने पेस्ट बना लिया है. मिसालों के लिए हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, जीरा, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट टू टेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. मैं इसको मट्टी की हांडी में बनाऊंगी. हमने ऑयल जो है वो गरम कर लिया है. इसमें अब हम प्याज शामिल कर देंगे. और प्याजों को हम अच्छी तरह से पिंकिश ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे. जब इनका कलर पिंक आना शुरू हो जाएगा तो इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था जिंजर गार्लिक और रेड चिली का वो हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे. अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे. मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे. इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को नरम हो जाने तक हम पकाएंगे. टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं. अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे. अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें ऑलरेडी जो हमने ग्राइंड करके पालक रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे. पालक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आपने तब तक पकाना है जब तक के आलू जो हैं वो गल ना जाएं और पालक का पानी खुश्क ना हो जाए. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पालक का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है. अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पालक आलू तैयार है. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि बाकी रेसिपीज़ भी आप देख सकें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. Thank you for watching and Allah Hafiz.